डियर स्टूडेंट्स, मैटर की हमने अभी तक 3 डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उनको पढ़ा है। आज हम मैटर की कुछ और स्टेजेस जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है उसकी कुछ और स्टेट्स जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं। मैटर की एक स्टेज है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अलावा एक स्टेज है प्लाज्मा। प्लाज्मा बच्चों, ये प्लाज्मा क्या है भाई? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं इनसे तो हम सब अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अब ये प्लाज्मा क्या है? आप सब ने अपने घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब को देखा होगा, एक ट्यूबलाइट या नियॉन साइन बल्ब जो हैं उनको देखा होगा। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं उनमें हीलियम गैस भरी होती है, और जो सामान्य फ्लोरोसेंट ट्यूब है तो उसमें हीलियम गैस भरी होती है। इस प्रकार से अपने ट्यूब्स जो हैं उनको देखा है, इनमें हीलियम गैस भरी होती है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन प्लाज्मा। इनमें प्लाज्मा जो है कंटेन्स होता है। कैसे? इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स देयर इज ए हीलियम गैस और सम अदर गैस, व्हाइल इन नियॉन साइन बल्ब्स जो हमारे पास सामान्य बल्ब्स होते हैं उनमें देयर इज ए नियॉन गैस, वहां पर नियॉन गैस जो है वो भरी होती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड अक्रॉस इट्स एंड्स, इसके एंड्स के अक्रॉस जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, देन द गैस गेट आयनाइज्ड, ये जो गैस है ये आयनाइज्ड हो जाती है, आयंस में टूट जाती है, एंड ग्लोइंग प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, और इस प्रकार से जो ग्लोइंग प्लाज्मा है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। द कलर ऑफ दिस ग्लोइंग प्लाज्मा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, भाई इस ग्लोइंग प्लाज्मा का कलर जो है वो डिपेंड करता है कि हमने इसमें किस प्रकार का गैस जो है वो भरा हुआ है। हमारा जो सन है, स्टार्स हैं, एक्चुअली ये ग्लो करते हैं तो उसके पीछे भी कौन है? प्लाज्मा। वो भी उसी प्रकार से जो सन है, सन में भी हीलियम गैस है, और हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर आयनाइज होते हैं और फिर सन ग्लो करता है। और स्टार क्या है? वो भी इसी प्रकार से, क्योंकि सन इज द स्टार, और तो डिफरेंट स्टार हैं वो भी इसी प्रकार से ग्लो करते हैं। तो प्लाज्मा जो है, स्टार प्लाज्मा इन स्टार इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जो हमारा सन है या जो स्टार्स हैं उसमें जो प्लाज्मा की फॉर्मेशन है वो हाई टेम्परेचर से होती है। तो इसको हम कहेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर का फोर्थ स्टेट जो है वो कौन है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा कि द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सुपर एक्साइटेड, और उस सुपर एक्साइटेड जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो पार्टिकल एक्साइट हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन कौन है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या टेम्परेचर का बढ़ना। तो जब हम किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब में या नियॉन साइन बल्ब में हम कोई गैस भरते हैं और गैस भरकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो डालते हैं, तो ये गैस आयनाइज हो जाती है और ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो ग्लो करना शुरू करती है। इस प्रकार का जो हमें मैटर मिलता है उसका भी मास होता है, उस वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन है? प्लाज्मा होगा, और ये प्लाज्मा को क्या होगी? फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर होगा। इसी प्रकार से बच्चों एक पांचवी प्रकार भी है, और पांचवी प्रकार जो है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपने सुना होगा बच्चों, एक हमारे इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस, ये जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, दे हैड डन सम कैलकुलेशंस ऑन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की पांचवी स्टेज पर उन्होंने काम किया, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में उनकी जो कैलकुलेशंस थी उनको आगे प्रिडिक्ट किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसका फर्दर प्रिडिक्शन किया। और जब उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया तो न्यू स्टेट ऑफ मैटर, तो उन्होंने, क्योंकि कैलकुलेशंस किसकी थी, सत्येंद्रनाथ बोस की, और प्रिडिक्शन किसकी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो जो बोस और आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशंस थी उनसे ये नाम आया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, एक्चुअल में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BEC भी लिख देते हैं, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस पर और वर्किंग जो है वो अप्रोक्सीमेट 2001 में हुई, 2001 में, जब कुछ और साइंटिस्ट एरिक कॉर्नेल, इसी प्रकार से हम कहेंगे जो है वोल्फगैंग कैटरले, ये जो वोल्फगैंग कैटरले थे या एरिक जो कॉर्नेल थे, इन्होंने 2001 में फर्दर इस पर इसको आगे बढ़ाया और दे शेयर्ड द नोबल प्राइज इन द फिजिक्स ऑफ अचीविंग दिस, और फिर इनको इसी के लिए नोबल प्राइज जो है वो मिला, नोबल प्राइज वो मिला। तो द बीईसी इज फॉर्म्ड, यानी सामान्य बीईसी बनी कब, इज फॉर्म्ड व्हेन ए गैस हैविंग लो डेंसिटी, जब एक गैस, अभी हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहाँ डेंसिटी पढ़ी थी हमने, एक गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो, लो डेंसिटी, और डेंसिटी भी कितनी हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/100 टू 1/1000, यानी आप कहेंगे 1/100 टू 1/1000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर की डेंसिटी की, बहुत ही कम डेंसिटी की गैस हो, इज कूल्ड टू सुपर लो टेम्परेचर, और उस गैस को हम बहुत ही कम टेम्परेचर पर, सुपर लो टेम्परेचर पर हम उसको क्या करें, कूल कर दें, तब हमें एक पांचवी स्टेट ऑफ मैटर मिलती है जिसको हम कहेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और सामान्य कहेंगे उसको बीईसी। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट किस प्रकार से आपको मिला, 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस ऑन द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर, इस मैटर की पांचवी स्टेज पर उन्होंने काम किया, बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशन, इन्हीं कैलकुलेशन पर बेस्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड बीईसी, क्योंकि भाई सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में बोला तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हीं पर फर्दर प्रेडिक्शन दिया और एक स्टेट बना बोस और आइंस्टाइन दोनों की वर्किंग से, तो उसको हमने कहा बीईसी। फर्दर 2001 में एरिक कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले, उन्होंने इस पर वर्किंग की और इस पर उन्हें नोबेल प्राइज जो है वो मिला। और सामान्य स्टेट आई कैसे, यानी बीईसी इज फॉर्म्ड, बीईसी कब बनती है, इज फॉर्म्ड व्हेन ए गैस Having very low density, जब किसी गैस को ले और उस गैस की डेंसिटी कितनी हो, वेरी लो, कितनी, अगर हम एयर की डेंसिटी 1 माने तो इस 1 का 1/100 टू 1/1000 डेंसिटी की कोई गैस को सुपर लो टेम्परेचर पर हम उसको कूल कर दें, देन द मैटर वी गेट दैट ऑल्सो बियर मास
also occupy space, and that is called BEC. आज के लिए इतना ही. God bless you. Have a nice day.